देखिए ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी की प्रतिबद्धता दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के प्रति है और दोनों मंत्री पूरी तरीके से बेकसूर हैं। उन पर जो भी आरोप लगाए हैं वो फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और राजनीतिक कारणों से जो काम शिक्षा के क्षेत्र में मनीष सिसोदिया जी ने किया, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सत्येन जैन जी ने किया, जो बिजली के क्षेत्र में सत्येन जैन जी, जो अनुकरणीय काम करके इन मंत्रियों ने दिखाया है, उसके लिए दिल्ली की जनता उनकी आभारी है। ये जो फैसला लिया गया, क्योंकि मंत्रिमंडल के विभाग काफी ज्यादा थे और काम बाधित ना हो, काम ना रुकने पाए, इसके कारण से ये फैसला लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों मंत्रियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का काम जैसे अच्छे ढंग से पहले से चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा, केजरीवाल जी की ये प्रतिबद्धता है। जहां तक आरोपों का सवाल है, फिर दोहरा रहे हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, एक एक दिल्ली वाले की तरफ से, कि जो सारे के सारे आरोप हैं वो फर्जी हैं, बेबुनियाद हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी के लोग, 10,000 करोड़ की रिश्वत खाली मनीष सिसोदिया ने। अरे भाई, 14 घंटे सीबीआई का छापा घर पे मारा, गांव खोद डाला, दफ्तर पे छापेमारी की, बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कहीं कुछ नहीं मिला, बावजूद इसके आप उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल रहे हैं। तो आज दिल्ली के 18 लाख बच्चों के मां बाप दुखी होंगे, पीड़ित होंगे इस घटना से कि एक होनहार और अच्छे शिक्षा मंत्री को आपने जेल के अंदर डाल दिया। समय आने पर जनता इसका जवाब देगी, लेकिन दिल्ली के लोगों का काम नहीं रुकना चाहिए, उनकी सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए, इसलिए केजरीवाल जी ने इस्तीफा स्वीकार किया है और काम दिल्ली वालों का आगे चलता रहेगा। क्या कोई नया मंत्रिमंडल में आएगा, क्या उस पर कोई चर्चा? इस पर जो भी फैसला होगा वो मुख्यमंत्री जी लेंगे, वो उनका विशेषाधिकार है, उस पर मेरा कुछ भी बोलना ठीक नहीं।